हेलो दोस्तों, बाबर आजम के मुखालफीन के लिए एक और बुरी खबर है कि बाबर आजम ने ICC का अवार्ड जीत लिया है। जो मुखालफीन चाहते हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए, वो शदीद सदमे में हैं और उनको जो है वो झटका लगा इस न्यूज़ से, क्योंकि बाबर आजम क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 करार पाए हैं। ICC ने उनको वन डे क्रिकेट का बेहतरीन क्रिकेटर करार दिया है और जो ट्रॉफी है सर गारफील्ड सोबर्स के नाम से, वो भी बाबर आजम ने जीत ली है। इससे पहले शाहीन अफरीदी 2021 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुके हैं। बाबर आजम दूसरे प्लेयर हैं जिन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया है और इस अवार्ड के लिए बाबर आजम, बेन स्टोक्स, सिकंदर रजा और टिम साउदी को नामजद किया था, लेकिन बाबर आजम ने अवार्ड जीत लिया है और बाबर आजम कामयाब क्रिकेटर करार पाए हैं। बाबर आजम ने 44 मैचेस में 2558 रन बना के ये अवार्ड अपने नाम किया है। यकीनन जो बाबर आजम के मुखालफीन हैं वो शदीद सदमे में होंगे, उनको परेशानी होगी और अभी इसमें भी कुछ ना कुछ वो तलाश करेंगे कि कहीं ना कहीं जो है वो गलती की है। कोई कहेगा ये जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कोई वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी, बाबर आजम ने हल्की टीमों के खिलाफ खेले, लेकिन जो भी है बाबर आजम ये अवार्ड जीत चुके हैं और बाबर आजम दूसरे पाकिस्तानी प्लेयर हैं। इससे पहले बाबर आजम जो ICC टीम ऑफ द ईयर यानी कि ODI टीम और टेस्ट टीम दोनों में शामिल थे और वाहिद हैं पाकिस्तानी जिनका नाम दोनों टीमों में शामिल किया गया। इसके साथ साथ बाबर आजम को ICC वन डे टीम ऑफ द ईयर 2022 का जो है वो कप्तान भी मकरर किया गया था, लेकिन बाबर आजम अवार्ड पे अवार्ड जीतते चले जा रहे हैं, लेकिन जो उनके जो बाबर आजम के नाकदीन हैं वो चाहते हैं कि बाबर आजम को सुक्की का सामना हो, उनकी उनसे कप्तानी हटाई जाए। वो स्लो खेलते हैं, वो इस तरह करते हैं, वो हल्की टीमों के खिलाफ खेलते हैं, वो अपने यानी कि अपने स्टैट्स के लिए खेलते हैं, लेकिन बाबर आजम एक कामयाब क्रिकेटर हैं, कामयाब बैट्समैन उन्होंने अपने आप को साबित किया है और उन्होंने कामयाब कप्तान भी अपने आप को साबित किया है, जिसकी मिसाल ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में होने वाले ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने फाइनल खेला था। बाबर आजम अवार्ड पे अवार्ड जीतते जा रहे हैं, लेकिन जो बाबर आजम के मुखालफीन हैं वो शदीद परेशान हैं। और आप क्या कहेंगे बाबर आजम के हवाले से, बाबर आजम के अवार्ड जीतने पे आपकी क्या राय है, हमें लाजमी अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपनी कीमती राय से लाजमी गा कीजिएगा। शुक्रिया।